गोरखपुर जोन के 3 दिवसीय 6वीं अंतर जनपदीय पुलिस आर्चरी तीरंदाजी महिला पुरुष प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस निदेशक दावा शेरपा, आयोजन सचिव आईपीएस एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़, एएसपी प्रमोद बोत्रे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत बैच लगाकर तथा कैप पहनाकर किया गया। इसके बाद एसपी नॉर्थ ने मुख्य अतिथि को प्रतियोगिता से संबंध में जानकारी दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि दावा शेरपा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके प्रतियोगिता के समापन सत्र का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 6 जिलों की टीमें शामिल हुई, जिसमें गोरखपुर की टीम ऑल ओवर चैंपियन रही तथा दूसरे स्थान पर देवरिया की टीम ने अपना परचम लहराया। इस अवसर पर विजयी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि किसी भी खेल को ध्यान लगाकर खेलना चाहिए। पुलिस विभाग में संसाधन की कमी नहीं है, इसके बावजूद जितनी उपलब्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि लगन और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में या खेल में उपलब्धि हासिल की जा सकती है। उन्होंने विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अन्य खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ियों एवं उनके तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से जो भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कौन कौन बचे ये लोग फाइनल में पहुंचे? जी सर, जी सर। मैच अब स्टार्ट हो रहा है। 3-3 राउंड सभी जनपदों के खिलाड़ी चलाएंगे। एसपी क्राइम सर का भी स्वागत करते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जो सफर मैं आप सब से जितने लोग भी यहाँ विभाग के मौजूद हैं, लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अपने विभाग का अपने मौके को कभी खोइए मत। तो लास्ट है, इसके बाद समापन समारोह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अवगत कराना है कि गोरखपुर जोन की 6वीं अंतर जनपदीय पुलिस आर्चरी तीरंदाजी महिला पुरुष प्रतियोगिता 2018 का आयोजन आपके निर्देशाधीन इस जनपद में दिनांक 11/9/2018 से दिनांक 13/9/2018 तक पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर संपन्न कराई गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 11/9/2018 को पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में जोन की 11 टीमों को भाग लेना था, किंतु जनपद कुशीनगर, संतकबीरनगर, बलरामपुर, गोंडा व श्रावस्ती की टीम किन्हीं कारणवश भाग नहीं ले सकी। इस प्रकार प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। तीरंदाजी पुरुष प्रतियोगिता में जनपद गोरखपुर ने प्रथम स्थान व जनपद देवरिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महोदय, इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्णायकों ने अपना अमूल्य समय देकर पूर्ण मनोयोग से प्रतियोगिता को संपन्न कराया है। मैं इनके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आरक्षी केशव प्रसाद मिश्रा गोरखपुर 50 मीटर पुरुष आर्चरी व्यक्तिगत, आरक्षी सुमित सिंह आर्चरी टीम चैंपियनशिप गोरखपुर प्रथम, आरक्षी केशव मिश्रा गोरखपुर, आरक्षी पवन कुमार गुप्ता ये 30 मीटर, महिला आरक्षी आरती सिंह महिला आरक्षी योग्यता को संपन्न कराने में, और विनोद कुमार को सफल बनाने के लिए आई मुस्किन इसके पश्चात अब मैं मुख्य किसी भी खेल के लिए दो चीज मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो सही तकनीक के बारे में ट्रेनिंग, कि आपकी तकनीक सही हो, इसकी सही ट्रेनिंग मिल जाए। उसके बाद जिसको अभ्यास कहते हैं, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं,
रेगुलर ट्रेनिंग, ये दो चीज़ें किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। मात्र सही टेक्निक जानना और अभ्यास ना रहना वो भी उतना ही बेकार है जितना गलत तकनीक के साथ लगातार अभ्यास करना। तो ये दोनों चीज़ सही रहे तो सही जगह पहुंचा जा सकता है। तीरंदाजी के बारे में मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, ये वो खेल है, वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के वो भाग है जहाँ हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि तमाम तरह के स्पोर्ट्स है, तमाम तरह के खेल कूद है, लेकिन ये सबको आप गौर से देखेंगे और समझेंगे तो कुल मिला के तीन तरह के वर्ग में आप इसको बांट सकते हैं, जिसमें पावर और स्टैमिना बहुत जरूरी रहता है, जिसमें शरीर में ताकत बहुत हो और स्टैमिना बहुत हो, जैसे बॉक्सिंग, फुटबॉल, इसी तरह से आप उसमें जोड़ दीजिए। इसमें शरीर में ताकत, आपकी बनावट बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इसमें जिन देशों में या जिन हिस्सों में लोगों के शरीर की बनावट बहुत तगड़े हिस्टपुष्ट रहते हैं, और इसमें हॉकी भी आएगा, वो अच्छा करते हैं वनस्पति के अन्य लोग, ये स्वाभाविक है और ये प्राकृतिक रूप से है। इसीलिए आप पाएंगे यूरोप, अफ्रीका या इवन साउथ अमेरिका के लोग इन इवेंट्स में बहुत अच्छा करते हैं। दूसरे वर्ग में आता है एजिलिटी, स्फूर्ति वाला, फटाफट वाला, इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जिमनास्टिक्स है, टीटी है, कुछ हद तक बैडमिंटन है, जिसमें एजिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वर्ग में ये देखा गया है चाइना, ताइपे, कोरिया, जापान, ये अच्छा करते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनके शरीर में वो जो लचक है या एजिलिटी है वो बेहतर रहता है। तीसरे वर्ग में वो स्पोर्ट्स है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान, एकाग्रचित्त जिसको कहते हैं। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस तो सबने पाया है बराबर की, तब भी अब हमारे जो हमारे देश की जो आम लोग हैं एक आध को छोड़ दें तो बास्केटबॉल के लिए चाहिए बहुत लंबे लंबे हाइट, फुटबॉल के लिए चाहिए बड़े तगड़े तगड़े शरीर, टीटी के लिए चाहिए एकदम फास्ट मामला, तो शायद थोड़ा कम है, लेकिन ध्यान वाले देश है ये तो, या ध्यान से पता नहीं क्या क्या पाए गए, शब्द विधि बांध मारने वाले देश हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कंसेंट्रेशन बहुत चाहिए होता है, जैसे स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, शूटिंग है, तीरंदाजी है, इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों के बनस्पत, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डील डॉल सर्विस चाहिए नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा जिमनास्ट जैसे फुर्ती भी नहीं चाहिए। तो ये एरिया है स्पोर्ट्स के जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं कि जो सभी स्पोर्ट्स में अच्छा करते हो, ऐसा कोई देश नहीं, तो हमें ध्यान उस तरफ लगाना होगा कि किस में हम अच्छा कर सकते हैं। फुटबॉल खेलते खेलते बहुत दिन हो गए, ओलंपिक में क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं कैमरून और पता नहीं कितने छोटे छोटे देश आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उस तरह के शरीर है, उस तरह की स्टैमिना वाले लोग हैं। तो अब ये सौभाग्य से विभाग में, पुलिस विभाग में जबरदस्ती से ही जाओ खेलो कुछ करो, लेकिन सौभाग्य की बात है इसी माध्यम से आप उन जगहों में पहुंच सकते हैं जिसके लिए, जैसे अभी हमारे जो निर्धारित मंडल के लोग बता रहे थे माइक में, उसके लिए बाहर सिविल में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। आप तो तनखा और पौष्टिक आहार के साथ खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास गुंजाइश ही नहीं है, न तो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, न तो कोच है, न तो समय है अपना रोजगार लेके कि ये काम करें। इसलिए विभाग, पुलिस विभाग और आर्मी, यहाँ तो खेल के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जीतने वाले को बड़े बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उनको बाकी ड्यूटी से छुट्टी दे के कैंप में बिठाया जाता है, तो ये उम्मीद की जाती है कि हाँ बेहतर रिजल्ट आए, जो कि हम शायद नहीं दे पा रहे, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन है जितना हम सोचते हैं उतना नहीं दे पा रहे।
तो मेरा अनुरोध रहेगा सबसे, और इधर बैठे हैं रिक्रूट बहुत सारे, ये भी सुन लें, पहले रोजगार की दिक्कत थी वो दूर हो गया, अब आपके पास मौका है अपने आप को उसे आगे साबित करने के लिए, या तो पुलिसिंग में काम करके दिखाइए, नहीं तो कम से कम स्पोर्ट्स में ही अगर कोई आप ऐसी स्पर्धा जीत के आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ और इस शुभकामना के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें बेहतरी हमको देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं।